बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जनाब जी? ठीक ठाक हैं, भले चंगे हैं? और मैं भी एकदम बिल्कुल भली चंगी और ठीक ठाक। और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको खैर वाफिर के साथ रखे, आपके घरों आपकी राह गुजरों में सलामत रखे, और सबके रोजे ठीक जा रहे हैं। रोजे लग तो नहीं रहे, अगर लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, सवाब भी तो बतेरा सारा ही मिलना ना हमें। और आज ना भाई हमारे लाइट शाइट कोई नहीं है, कोई लाइट शाइट नहीं है, तो आज अंधेरे में हम बना रहे हैं अपनी वीडियो। तो आपने इसको एंजॉय करना है, अन्नी वाह एंजॉय करना है। और वाकई आज तो वीडियो वाकई अन्नी वाह ही बन रही है, दिस इज अंधेरा अंधेरा। और ये हमने चढ़ा दिया साबत मसर, और महीने का एंड हो और इफ्तार किचन में चावल ना बने, ओहो ये तो हो ही नहीं सकता। और हमने चावल मुका दिए, हमारी बोरी हो गई है फिनिश, रह गए बस 3 किलो चावल, देखो वो कब मैंने मुकाने हैं। तो चले जी, और स्टेमिना मैनू फुल फुल हो पाएगी, दिस इज आओ बस जो मियाँ कहती है ना, मौत पड़ रही है, बस वही पड़ रही है। मेरा स्टेप कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा, और मैं बहू को भी कह रही हूँ, बहू मुझे देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ, तो अब देखते हैं हम क्या करने लगे हैं। के लिए स्टार्ट दोबारा। ये हमने बोतल से ग्लेयर बनाई है, बोतल को काट के ना गुब्बारा पीछे लगा के हमने ग्लेयर बनाई है। इसे हम शिकार करेंगे परिंदों का, और इसे भी मारेंगे। नहीं परिंदों का नाम आना मासूम सी जान है, ऐसा जुलम ना इसे करो इस रोजे पे की गुंडी हालत ग्लासे में। डालती हैं और एक यूं में नहीं 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 दिखाओ दोबारा दोबारा बोल सके। अब परिंदे नाम आ रही तेरी, बड़ी ये गोने मेहरबानी। को ऐसे डालती हैं ओ और यूं यूं फायर कर देती हैं ओए ना कर, ओए ऐसे। अगर ओ आपको ये मेरे तो पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, यकीन करो इन्होंने अन्नी पा देनी है, कसमें कसमें। मेरे ये अजीम है, ऑफिस से आवाजार होकर आया है, बेसुरियां डाली हुई है, क्रिकेट खेल रहा है, और ये मैं लगी हूँ अपने मोती सितारे बनाने में। ओए होए कसम से मेरा दिल नहीं कर रहा, दुआ करना मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, इतने थोड़े पैसे दे रहा है ना, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा। ये तो वो पढ़ रही है, दिस इज अ वेरी वेरी मोथ पढ़िंग और नो बनाइंग, लेकिन मैंने बनाना है ना, मेरे रह गए 300 रह गए मेरे ये बस बनाने वाले, बस 2 दिन का टाइम मैंने लिया है, दुआ करना बन जाए। बस मन की आशा तो कहती है ना बनाऊँ, पर बनाने पड़ने हैं ना, आखिर माँ जो हुई मैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब हम करने लगे हैं इफ्तारी का इंतजाम स्टार्ट, और जो है पिछला क्लिप वो था हमारे कल की इफ्तारी का। तो कल जनाब जी हमने सिर्फ जनाब जी दाल चावल बनाए थे, और हमने उसके साथ बनाए थे रोल एंड समोसा। तो 2 दिन से ना दिमाग बहुत वो हो रहा है, ऊपर नीचे उलट पुलट हो रहा है, और ये नहीं है मतलब इसका कि मैंने रोजा रखा तो शायद इस वजह से मेरा दिमाग पलटियां खा रहा, होते खा रहा नहीं, वो बस ना दिमाग खराब कर दिया। मुझे समझ ही नहीं लग रही मैं करा तो की करा, समझ नहीं आ रही। एक तो वो जो माल बना रही ना उन्होंने मैंने बड़ा बख्ता पाया। चलो जिंदगी गुजर जाएगी, तो चलो छोड़ो जी की दुखड़े में रो लेते ने, और चलते जी आते हैं अपने रेसिपी की तरफ। और हम बना रहे हैं आज इफ्रा किचन में मजेदार से आलू और बैंगन के पकौड़े, और उसके बाद जो मिक्सचर बजेगा तो उसके अंदर हम डाल देंगे ओहो आलू और जनाब जी धनिया वगैरह डाल के ना मजेदार सा हम बना देंगे जबरदस्त सा। ये नहीं बैंगन के पकोड़े बनाने लगे हैं, इतने मोटे मोटे काटने हैं हमने इसको, और बहुत अच्छा रमजान जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस अब हमारी मोजे लगने वाली हैं इंशाल्लाह। और बैंगन मेरे टूटे हाथों से नहीं सही घट रहा, और मैंने पूरी ट्रहियां मारनी है, पूरी ट्रहियां मारनी है मैंने, ओए होए होए। छुरी तेज नहीं है ना, जैसे मेरी जुबान तेज है ना ऐसी मेरी छुरी तेज होनी चाहिए, तो फिर कितने मजेदार से बैंगन के पकोड़े बनेंगे। और मैं इसको कटती हूँ तो फिर मिलती हूँ। ठीक है हमने बैंगन पकड़ लिए हैं, और जनाब जी अगर होता ना हमारे पास लहसुन अदरक का पाउडर, अब पाउडर जो मेरे पास अवेलेबल है ना वो है मेरे पास, कौन सा मेरे पास अदरक पाउडर है तो मेरे पास वो नहीं है, लहसुन पाउडर नहीं है, तो अगर वो इसमें शामिल करते ना बड़ा मजेदार बनता। चलो वो भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे, और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट शामिल कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्चें शामिल कर दी हैं, और ये देखें जी ओह रोजे में जुबान का पसीना तो समझ में आ रहा, फिर मेरे दिल में ये आया मैं कहता हूँ इन्हें मिर्चें लगा दो, ओ नहीं, रोजे रखे बच्चों ने, ओ माँ नू आज गुस्सा चढ़िया, कसमें बड़े गुस्सा चढ़े हैं मैनू, एक तो ये ना नन्नों निहालों ने मुझे बहुत तंग किया है, अब क्या करें बड़े हो गए हैं, चपेड़े भी नहीं मार सकती मैंने, मेरा चंडे मारनी थी मैंने चंगी भली। अच्छा ये ना मसाला लगा लेते हैं, ऑयल ऑफ तारीख का टाइम, और मेरी बातें मेरी गुफ्तगू शनीद, ओ माय गॉड आज क्या हो गया है हमारी इफ्रा बाजी को।
चलो जी, इसको हम इस तरह करते हैं, और ये हमारा बड़ा जबरदस्त सा ये बन रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अगर बुरी लग रही है तो तब भी मोहब्बत से लाइक कर देना, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके बस अपना यूट्यूब मेंबर बना लें, फैमिली मेंबर बन जाते हैं। और ये लेंगे, अच्छा ये बैंगन बच गया ना, इसको भी हमें ज़ाया नहीं करना, इसको भी हम कट कट करके ना इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा बैंगन के तो हो गया, लेकिन पालक वगैरह के पकौड़े अब हम नहीं बनाते, क्योंकि वो ना वैसे एक दिन तो बनाऊंगी ना, अपनी शोएं तो मैंने मारनी है पूरी, और ये खाते नहीं है, नखरे करते हैं इतने। क्या करूँ मैं, ये नहीं जी। अब बनाने लगे हैं इसका मिक्सचर जबरदस्त सा, अब मिक्सचर दिखाऊँ मैं आपको। अच्छा अब मिक्सचर में मैंने क्या किया है, मैंने भी सारे एक साथ ही लवाजमत डाल देने। ये मैंने लिया है थोड़ा सा मैदा, और मैंने बेसन लिया। ओहो बेसन तो नीचे छुप गया, हमने कहा सारा आंटी फ्रा ने, ओहो बेसन ही डाला, ये मैंने बेसन शामिल किया। चलो जी, इसके अंदर थोड़ा सी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, बड़ा प्यारा कलर आएगा इसका, और इसमें हम सॉल्ट शामिल कर देंगे। चलो जी, और थोड़ी सी ये रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, बाकी मैं इसमें दड़ा मिर्च शामिल करूंगी। इसके अंदर भी जीरा, धनिया, साबुत धनिया और अजवाइन को हाथों पे इस तरह कर कर फिर इसके अंदर मैं डालूंगी। और मैं तसव्वुर नहीं लूंगी ना, अब मैं नहीं तसव्वुर लेना भाई, रोजों में मैं बड़ा सुकून सुकून से काम कर रही हूँ, तसव्वुर किसी का नहीं लेना। नो 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 नो, इसको मिलाती फिर मिलती हूँ जी। ये मैंने ले लिया जीरा, साबुत धनिया और अजवाइन, और इसको अच्छी तरह मलना है, और इसको मसलते वक्त किसी का तसव्वुर नहीं लेना, बहुत बुरी बात है। ओहो अब मुझे भी ना ऐसा तो समझ आ रही है, जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ ना, अब मैं समझदार होती जा रही हूँ, तो अब मैं पुठे काम करने मैंने खत्म कर दिए, उसको करेंगे मिक्स, और फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तड़का चले जी, हरी चटनी बना लें ताकि जरा मज़ा आए, और ये फ्रेश फ्रेश बना रही हूँ, फ्रीज नहीं की हुई, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, और फिर ये है कि इतनी सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि मेरा धनिया था मेरा वो भी ख़राब हो गया, क्योंकि वो फ्रीज किया था, पुदीने की पत्तियाँ भी मेरी वो हो गई, हालांकि इतना टिश्यू पेपर उसका लगा के मैंने किया है। ये देखें जी, फिलहाल ये हरी मिर्चें सही जा रही हैं, और ये पुदीना मैंने टिश्यू पेपर में करके रखा है, तो इसका ये हाल हो गया, लेकिन फिलहाल चल रहा है। तो धनिया मेरा ज़रा है कि मैंने 2 डब्बे इस्तेमाल कर लिए हैं, तो बाकी जनाब जी तीसरा डब्बा मेरा हो गया फिशू। तो ये हम बनाने लगे हैं दही भल्लों के लिए मज़ेदार सी ग्रीन चटनी, और आज बच्चों को बड़ा मज़ा आना आने वाला है। मैंने ना भी मीठी चटनी जो बनाई हुई थी ना वो भी यूज़ कर रही हूँ, और भी मैंने बनानी है ज़रा अपनी स्पेशल किस्म की चटनियाँ, और स्कूल में बना बना के मैं सेल आउट करती थी, तो बच्चे भी लेते थे, टीचर भी लेती थी जिनको पसंद थी और जिनसे बनती नहीं थी। हालांकि इतना आसान सी है चटनी बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बस वो हुई है ना। तो मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबके रोज़ों को आसान बनाए, ठीक है, हमारे कामों को आसान करे। आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको याद रख रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। और ये एक बात और कहूँ कि कुछ लोगों की वीडियो पे जा नहीं पा रही, कुछ मसरूफियात भी हैं, और दूसरी बात है वो जो मैं समोसे बनाऊँ तो मैं फिर कमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि फिर मेरे जो हाथ होते हैं वो आलू में होते हैं। खैर 3-4 दिन से तो खैर कोई ऑर्डर नहीं है समोसों का, बस वो जो घर में सेल आउट हो रहे हैं वही हो रहे हैं, और फिर वो मोतियों का काम करती हूँ। अगर मैं तब कमेंट करूँ तो मेरे जो मोती है ना उनकी जो कलरिंग होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो मुझे फिर सारी तार से ना मोती निकाल के दोबारा उसमें परोने पड़ते हैं। तो यह है कि रात के टाइम ज़रा जब थोड़ा सा मैं चिल मोल हो जाता है ना, तो फिर आप लोगों की वीडियो वॉच करती हूँ और फिर कमेंट करती हूँ, तो अब लिहाजा आप लोग नाराज़ ना होना। और मेरी दुआ है हम चाहे एक दूसरे की वीडियो देखें या ना देखें, सबसे बड़ी बात है मेरे रब ताला की रहमत, और जब मेरे रब ताला की रहमत क्षमा क्षम बरसेगी, और जब वहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि आहो जी, तो फिर इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे। और माशाल्लाह मेरे बहुत से जो हैं यूट्यूब फैमिली जिनके अभी 1,000 नहीं हुए थे, और अब मैं माशाल्लाह देख रही हूँ तो उनके माशाल्लाह 1K से ऊपर हो रहे हैं। अल्लाह ताला से तो मेरी दुआ है कि इनके 1 मिलियन हो, इनके चैनल मोनिटाइज हो और बहारे आए, और हम सबका यही है कि अल्लाह ताला वो अता फरमाए जो हमारी ज़रूरत को पूरी कर ले, बस ठीक है। और हमने क्या करना, हमने कोड़ा वो चलो ये मैं चटनी बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अब बेसन में मैं थोड़ी सी कसूरी और थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल करूंगी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे ये बैंगन हो गए हैं, ठीक हो गया, और ये हमारे हो गए हैं, इसके अंदर हमने प्याज, हरा प्याज, दूसरा प्याज, आलू, और इसके अंदर हमने थोड़ी सी हरा धनिया शामिल किया है, और ये हमारे हो गए हैं पटाटो।
और ये हमारे हो गए हैं दही भल्ले, और ये हमारी हरी चटनी है, और ये हमारा दही है, ठीक है, और ये बहू बेगम खड़ी है। चलो जी लग जाए काम पे। बड़ी कढ़ाई से हमने रख दिया छोटा फ्राई पैन, वो परेशान ना होना, वो बड़ी कढ़ाई भी रख लेंगे, वो ना बाजार गए हैं तो उसके बाद दोबारा नहीं जा रहे ना, तो आपको मैंने बताया था ना हमारे घर से बाजार थोड़ा सा हुरा पूरा है, और जाने के लिए लगता है पटरोल, क्योंकि 111 वाली बस पे जाना कोई पसंद ही नहीं करता, तो लिहाजा आहो फिर हमने छोटे फ्राई पैन में हमने ऑयल डाल के ना अपना हम आज करेंगे गुजारा, और कल हम लगा लेंगे बड़ी कढ़ाई, तो टेंशन नहीं लेनी। और अब ये है कि अब आगे क्या करने लगूंगी वो बताती हूँ आपको मैं। ये हमें आई है खजूर गिफ्ट, ओ हो, ऐसे गिफ्ट तो मुझे बहुत पसंद है, और खजूरें बहुत मजे की हैं, और माशाल्लाह इतनी खजूरें दे दी हैं, माशाल्लाह हमारा पूरा रमजान गुजर जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे, बहुत जबरदस्त तोहफे हैं, वेरी नाइस। अच्छा हाँ पर मैंने आपको बताना है, दिस इज ऑयल इज वेरी हॉट हॉट होइंग, और इधर से हमने वन ये इतना हमने तेल पकड़ना है बस, अब इसके बाद हमने क्या करना है, और ये पकड़ कर हमने इसमें शामिल कर देना है ऐसे, इससे आपके जो है ना समोसे, ओ समोसे कह रहे हैं, इसके जो है ना पकोड़े बड़े अच्छे बनेंगे, और मेरे बेटे को पता है कि मामा वीडियो बना रही है, लेकिन नहीं हम अनिवाह बोलेंगे, हाँ जी इतनी दे दें जनाब, इसको हमने अच्छी तरह घुमा देना है, और इन दिनों में तो स्पैचुला क्या, आम दिनों में भी स्पैचुला बहुत यूज करें, इसको आपने हिलाते जाना है, हिलाते जाना, मैं हिलाते फिर मिलती हूँ। ये ना सूखी मेथी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, मैं भूल गई सी तो हूँ मैं शामिल की, और वीडियो लंबी हो रही है ना बस हौसला करके देख लेना, मैं तो खुद बड़ी परेशान हो गई हूँ, हाय रुपये नहीं लंबी वीडियो बना हमारी, हाँ, तो बस अब देखो ना कार्ड भी नहीं सकती ना, हाँ चलो बस अब मेरी वीडियो देख लेना, थैंक यू सो मच आपके देखने का। सबसे पहले हम बनाएंगे आज बैंगन का पकौड़ा, और बैंगन मेरी बहू को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलें जी बहू को खुश करें, और बहू को मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ फूलों पर रखा हुआ है, हाँ जी ये लें जी, और ये देखें जी अब हम बैंगन के पकोड़े बना रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये इस तरह ना लगा कर ना, ये ब्लैक नहीं होते, अच्छा हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे ना उसके अंदर लहसुन अदरक का पाउडर लगा के ना आपसे शेयर करूंगी मैं, अच्छा उसको करके फिर मिलती हूँ जी। अब हम इसमें से इसको निकालने लगे हैं, और बहुत मजेदार से लग रहे हैं शक्ल से, और चलिए जी अब इसको हम इसमें से निकालते हैं, इतना ही हमें कलर चाहिए इसका, ठीक हो गया, और ये मज़ेदार से हमारे बैंगन के पकौड़ा तैयार हो गए हैं, और आज बच्चे बहुत खुश होंगे, और मैं तो बच्चों से साथ ही जरा नाराज नाराज, और ये देखो मैंने कुछ कर रही हूँ माँ हुई ना, और इधर एक बात करती जाऊँ, वीडियो लंबी होती जा रही है ना, बस फाइनल टच में मिलूंगी अब इंशाल्लाह। मैं ना समोसा पट्टी लेने के लिए ना बाजार गई, और बारिश इतनी तेज ना, और फिर ना एक शेड के नीचे ना मेरे हस्बैंड और मैं ना खड़े हो गए, फिर एक और बंदा था वो भी जाहिर पता बहुत तेज बारिश थी, तो हमारी पट्टियां खराब हो जानी थी, तो हमने सोचा कि हमें ना स्टे करना चाहिए, और वाकिया बता रही हूँ मेरी आंखों देखा, और यकीन करें लोग माओ को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वाकई माँ जैसी हस्ती तो कोई नहीं हो सकती, और माँ जैसा जज्बा भी कोई नहीं हो सकता, और ये देखा है कि अल्लाह रहम करे अगर दोनों में से कोई एक चला जाए तो जो माँ है ना वो बाप बन के भी बच्चों को पाल देती है, और अगर माँ चली जाए ना तो जनाब जी फिर तो दूसरी शादी करनी पै जाएगी, क्योंकि घर का काम किन्हें करना, ये तो हो गया थोड़ा वो, तो फिर ये हुआ कि हम जब बारिश में खड़े हुए ना, तो जो चीले नहीं होती बड़ी बड़ी चीले, तो बहुत ऊंचा दरख्त था उस पर उन्होंने बनाया था घोंसला, अच्छा जब बारिश बहुत तेज हुई ना, और मेरे खास उस घोंसले में बच्चे थे, तो वो दोनों जो जोड़ा था ना उनके माशाल्लाह जो पर थे, तो एक जो थी ना जो उसकी माँ थी माँ पर हलाती थी, और जब माँ स्टे करती थी तो उसका बाप पर हलाता था, तो यानी उस घोंसले में उसका पानी यानी ना जाए, तो दोनों मुसलसल स्टे कर 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 उस अपने बच्चों को ना बारिश की छींटों से बचा लेते, तो मैं कहती या अल्लाह तेरी कितनी शान है मेरे सोने अल्लाह, मैं कुर्बान जावा तेरी शान दे, ये है कि इस तरह यानी कर सकते हैं, तो अब हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तो फिर हमारी क्या बात है, तो मेरे उन बच्चों से बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा हिस्सा ना घर से बाहर वर्किंग में गुजारा है, तो जिधर मैं जॉब करती थी वहाँ पर एक काफ़ी यानी 50 ईयर्स ओल्ड यानी एजड औरत थी, और वो सिर्फ क्या आया का काम करती थी, वो इस वजह से करती थी कि उनको अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं मिलती थी, तो जिस तरह वो काम करती थी वो अल्लाह ताला ही जानता है, हम तो नहीं वो उसका वो कर सकते, और दवाइयों के लिए वो करती थी, तो कम अज़ कम उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी माँ के लिए कम से कम इतना तो कर लें, इतना तो कर लें,
और मैं तो कहती यार किसी की माँ किसी का बाप बीमार ना हो, और यकीन कर खाना क्या करना, अब तो दवाइयाँ नहीं जान छोड़ी, तो अल्लाह ताला हम सब पे एहसान करे। और वो उनको देख के ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वाकई माँ बहुत बड़ी अजीम हस्ती है। तो बस ये अब सारा फाइनल टच करके मिलूंगी, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो काइंडली प्लीज़ देख लीजिएगा। और इफ़ यू डोंट माइंड, मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊँ, तो आज कल ज़रा थोड़ा सा मेरा दिमाग ही वो नहीं कर रहा, और अगर मेरी वीडियो में ऊपर नीचे कोई अल्फाज हो गए हो या कुछ हो गया तो प्लीज़ एडवांस ही मैं सॉरी कर रही हूँ, तो जी माफ़ी जी। तो बस फिर अब मिलते हैं बिल्कुल फाइनल टच पर, इसी तरह आलू के फ्राई हो जाएंगे और बाकी जो अमेजा बचेगा उसी में मैं वो सारा जो मैंने काटा हुआ है वो करूँगी, और पकौड़ी तक तैयार हो जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सारा अमेजा मैंने काटा है, मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, ये लगी ज़बरदस्त सा, कोई चीज़ तो हमें ज़ाया करनी नहीं ना, पाकिस्तानी हो गए। अब सारा इसको मिक्स कर देना, तो बस इसके बनने के बड़े मज़ेदार से पकौड़े। ओहो चलिए जी, क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े। चलिए जी, इसकी कोटिंग कर लिया है, तो बस माशाल्लाह से ये हमारी हो गई है 7 इफ्तारी, एकदम ऑलमोस्ट रेडी। और यही दुआ करूंगी अल्लाह पाक हम सब के खानों को हमारे लिए बाई से रहमत, बरकत, सेहत, इबादत और दुआ की कबूलियत का जरिया बनाए। खुश रहें और खुश रहने दें। इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।